खासदार असणाऱ्यांना कॅबिनेट दिलेलं आहे, पण सात जणांच्याला त्यांना दिलं नाही. काय आहे की जे जवळचे मैत्री जपतात, बघा तिथून हात करतात सगळे, जे मैत्री जपतात त्यांचाच घात भाजप करतं, आणि ते भाजपचं ब्रीद वाक्य, ज्यांनी दिली आम्हाला साथ त्यांचाच आम्ही केला घात असं भाजप म्हणतं. आम्ही एकच आमचं शब्द पाळत असतो, रघुकुल रीत सदा चली आहे, प्राण जाय पर वचन न जाय, हे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे. ऐंशी जागांचा दावा केला जातोय, कसं पाहतोय की त्यांना जागा कमी मिळतात आणि 80 जागांचा. मला वाटतं एक आपण पाहिलं पाहिजे, ज्यांनी पहिलं 400+ दावा केला होता त्यांना 240 या देशाने आणलेला आहे. महत्वाची गोष्ट हीच आहे, या देशात जनतेच्या मन की बात चालणार, एका व्यक्तीची मन की बात. महाराष्ट्रामध्ये तरीके महाविकास आघाडीने अच्छी सीट लाई है, महाविकास आघाड़ी जिस तरीके से अच्छी सीट लिखाई, संपर्क में कोई नेता है वापस? बिल्कुल है, लेकिन आप अगर देखें तो जनता हमारे संपर्क में है, और ये जनता ने दिखाया है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने दिखाया है कि इस देश में जो राज चलेगा वो विनम्रपूर्वक चलेगा, कोई मस्ती नहीं दिखा सकता. हो, दुर्दैवी गोष्ट आत्ताच आमच्या कानावर आहे ना. बिल्कुल, ये जो BDD का प्रोजेक्ट है, अगर आप देखें तो गए 25 सालों से ये प्रोजेक्ट थोड़ा आगे पीछे हो रहा था. हमारी जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तब 1 अगस्त 2021 को हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया. फर्स्ट फेज जो है हमारे पीछे है, लगभग पूरा होने को आया है. दिसंबर या जनवरी तक पहले फेज की जो लॉटरी धारक है उनको चाबियां मिल जाएगी. मुझे लगता है जोक यही है कि जो हमारे इलीगल CM है वो हर 500 मीटर के उद्घाटन के लिए जाते हैं कोस्टल रोड का. ऐसे देखा जाए तो ना उनका कोई इसमें सहभाग था कोस्टल रोड में, ना फडणवीस साहब का था और ना इस सरकार का है. ये पूरा तो करने दीजिए, ये पूरा कोस्टल रोड का प्रोजेक्ट जो है वो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे इसी व्यक्ति का सपना है, और अगर हम सरकार में रहते तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 2023 के दिसंबर तक पूरा होता. आदित्य जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं छिंदे गुट नाराज नजर आ रहे हैं, उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली, कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि एक ही बात है, मैं उनपे ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि वो तो घटना बाह्य है, जल्दी डिस्क्वालीफाई होने वाले. लेकिन सबसे अहम चीज यही है, मैं फिर विनती करूंगा JDU को और TDP को कि अगर खुद का दल बचाना हो, खुद की पार्टी को बचाना हो, तो जो स्पीकर का पद होता है, लोकसभा अध्यक्ष का जो पद होता है वो अपने पास रखें, नहीं तो भाजपा आपके पार्टी को तोड़ेगा. दूसरी चीज यही है, जो स्पेशल स्टेटस या पैकेज शायद बिहार को हो या आंध्र को प्रॉमिस किया गया होगा वो पहले ही ले, क्योंकि एक बार सरकार बनती है तो भाजपा कुछ देती नहीं है. और जो भी दल ऐसे है जिनको लगता है कि कहीं बाद में एक्सपेंशन होगा और MOS का कैबिनेट बनेगा, ये बात झूठी है, हमारा अनुभव है. ये सारी जो बातें मैं कह रहा हूँ वो अनुभव के बोल है. अमित काली जी का निधन हो गया, बहुत ही दुर्दैवी बात है.